नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। दिन के 12 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं मिड डे, और उस वक्त की अहम खबरों के साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के राज्यपाल आज रांची पहुंचेंगे, राजभवन पर सबकी निगाहें टिकी है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट भेजा है। बीजेपी सांसद की ट्वीट से कयासों का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल आज पहुंचेंगे रांची, तो बीजेपी सांसद की ट्वीट से कयासों का बाजार गर्म है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले की ओर लेकर ये जो बातें हैं वो सामने आ रही है। झारखंड के राज्यपाल आज रांची पहुंचेंगे और राजभवन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट भेजी है और बीजेपी सांसद की ट्वीट से कयासों का बाजार गर्म है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आरएसएस के संस्कारों ने मुझे बड़ा किया, मेरा परिवार इमरजेंसी में जेल गया, भाजपा जैसी पार्टी ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को सांसद बनाया, जिसके नेतृत्व करता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमें गर्व है। घोषणा की थी कि अगस्त पार नहीं होगा, वही हुआ। चुनाव आयोग का पत्र राज्यपाल जी को पहुंचा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से ट्वीट किया है, और जिसमें उन्होंने लिखा है कि आरएसएस के संस्कारों ने मुझे बड़ा किया, मेरा परिवार इमरजेंसी में जेल गया, भाजपा जैसी पार्टी ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को सांसद बनाया, जिसके नेतृत्व करता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमें गर्व है। घोषणा थी कि अगस्त पार नहीं होगा, वही हुआ। चुनाव आयोग का पत्र राज्यपाल जी को पहुंचा। अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ जुड़ चुके। मनोज जी, झारखंड में काफी सियासी उठापटक देखी जा रही है, जिस तरीके से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक के बाद एक ट्वीट किया, ट्वीट से कयासों का बाजार गर्म है। जी बिल्कुल सही कहा करिश्मा कि ट्वीट को लेकर के यहाँ पे कयासों का बाजार गर्म है। जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता, बात सिर्फ निशिकांत दुबे की नहीं हम करें, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी इसी तरीके से कुछ ट्वीट किया है, और इस ट्वीट को लेकर के जो है यहाँ की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, यहाँ का तापमान जो है बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी राज्यपाल है नहीं, राज्यपाल अभी दिल्ली में है और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ रांची पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो सुनवाई की थी, उस सुनवाई को लेकर के जो राज्यपाल के द्वारा जो मंतव्य मांगा गया था, उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मंतव्य राजभवन भेज दिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर से अभी इसकी पुष्टि न तो राजभवन ने की है और न ही चुनाव आयोग ने की है कि जो चुनाव आयोग का जो मंतव्य है वो राजभवन पहुंचा है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि अगर जो बीजेपी के नेता हैं उनके ट्वीट से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दीपक प्रकाश ने भी इस तरीके का ट्वीट किया है, उन्होंने भी कहा है कि राजभवन पहुंच गई है और जो है यहाँ राजनीतिक भूचाल आने वाला है। उसी तरीके से कुछ जो निशिकांत दुबे है उन्होंने भी ट्वीट किया है कि अगस्त तक का जो समय दिया गया था वो अब पूरा हो गया और काम भी पूरा हो गया। तो एक तरह से कहा जाए ट्वीट को लेकर के है। हालांकि अगर हम बात करेंगे जो चुनाव आयोग का मंतव्य आना है, अगर मंतव्य हेमंत सोरेन के पक्ष में आता है तो सरकार को कोई खतरा नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई भी फेरबदल नहीं होगी, ये जो सारी सियासी जो चीजें चल रही है वो शांत हो जाएगी। बिल्कुल मनोज, अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ बातें सामने कर करवाती है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।